bounds. नमस्ते, वेलकम टू इट इज़ ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस क्या होता है? देखिए, नाम से हमें पता चल रहा है ये एक हाइब्रिड टेंस है जिसमें दो टेंसेस हैं, एक पास्ट परफेक्ट है और दूसरा पास्ट कॉन्टीन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट वो टेंस होता है जो बताता है उस एक्शन के बारे में जो एक्शन परफेक्टली पास्ट में एंड हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था, उसका इफेक्ट थोड़े टाइम तक पास्ट में चलता रहा और उसका इफेक्ट भी पास्ट में ही एंड हो गया, वो बनता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट कॉन्टीन्यूअस बताता है उस एक्शन के बारे में जो एक्शन पास्ट में थोड़े टाइम तक कॉन्टीन्यूएशन में चल रहा था, लगातार चल रहा था। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल सकता हूँ कि मैं 3 घंटे से गाना गा रहा था। यहाँ पे गाना गाने का काम परफेक्टली स्टार्ट हो चुका था 3 घंटे पहले पास्ट में, तो बन गया पास्ट परफेक्ट। और वो काम कॉन्टीन्यूएशन में चल भी रहा था पास्ट में, अब नहीं चल रहा है, अब एंड हो गया, तो ये बन गया पास्ट कॉन्टीन्यूअस। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की बात करें तो पास्ट परफेक्ट का भी हेल्पिंग वर्ब आएगा एज वेल एज पास्ट कॉन्टीन्यूअस का भी हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है वो होता है हैड। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है बी प्लस V1 ING। अब इस हैड की वजह से, क्योंकि हैज हैव हैड के बाद में कोई भी अगर वर्ब आता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो हैड की वजह से ये बी थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा और बन जाएगा बिन। तो सेंटेंस क्या बनेगा और इसका फॉर्मेट क्या बनेगा, फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब आएगा दैट इज हैड, हैड लगा दिया हमने। पास्ट कॉन्टीन्यूअस की बात करें उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा, कॉन्टीन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा जो अवेलेबल होता है वो बी होता है। हैज हैव हैड के बाद कोई भी वर्ब आता है हमेशा थर्ड फॉर्म में आता है, तो ये बी क्योंकि हैड के बाद आ रहा है इसलिए थर्ड फॉर्म में हो गया, बन गया बिन। हर हेल्पिंग वर्ब अपने बाद आने वाले वर्ब को इफेक्ट करता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो हैड के बाद में कोई भी वर्ब आएगा थर्ड फॉर्म में आएगा। सेम वेज बी के बाद में कोई भी वर्ब आएगा तो वो हमेशा V1 ING के साथ आता है, तो बन गया V1 ING प्लस यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तो होता ही है फॉर्मेट। हमने क्या किया, पास्ट परफेक्ट की बात की तो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैड आ गया, कॉन्टीन्यूअस की बात की तो कॉन्टीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब दैट इज बी आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस इसके बाद में हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एक टाइम फ्रेम। और ये टाइम फ्रेम जो हमें सिंस और फोर बताएगा, यानी कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो चुका था कब से चल रहा था उसके बारे में बताएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने सेंटेंस लिखा आई हैड बिन सिंगिंग अ सॉन्ग, आई हैड बिन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 3 PM। 3 बजे से मैं एक गाना गा रहा था, तो काम स्टार्ट हो चुका था 3 बजे से, तो ये हमें बताया सेंस ने। सेम वेज अगर यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम आता है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, इसके लिए मैंने सेंस और 4 का एक वीडियो पहले ही बना रखा है जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे आई बटन पे भी आपको उसका लिंक दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप सेंस ऑफ 4 का वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस बना ये बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेट बनाने के लिए एक ही फॉर्मेट होता है और वो फॉर्मेट होता है जहाँ भी हमें सब्जेक्ट दिख रहा है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड है, तो ये हैड जो हेल्पिंग वर्ब है ये आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले। हैड मैं लेकर आ गया सब्जेक्ट से पहले क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। जैसे ही बच्चों सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आया, जैसे ही सब्जेक्ट से पहले हैड आ गया, यहाँ पे लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क भी आ गया। क्वेश्चन मार्क ही एक्चुअली इंटरोगेटिव शो करता है, इंटरोगेट करता है। बाकी का फॉर्मेट एज इट इज़ रहेगा, प्लस बेन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम
फ्रेम. तो सेम जो सेंटेंस हमने ऊपर लिखा हुआ है, आई हैड बिन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 3 PM, इसी सेंटेंस को चेंज करते हैं. तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आई हैड है यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है, ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा, दोनों अपनी प्लेस इंटरचेंज कर लेंगे, पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे. आई हैड की जगह यहाँ पे आ जाएगा हैड आई. तो सेंटेंस बना हैड आई बिन सिंगिंग अ सॉन्ग, हैड आई बिन सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे इस बार मैं लगा देता हूँ पीरियड ऑफ टाइम 4-3 hours, और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा, हैड आई बिन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 3 hours, क्या मैं 3 घंटे से एक गाना गा रहा था. बच्चों ये बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस. अब अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं, एंड इन निगेटिव वी हैव टू यूज़ अ वर्ड दैट इज नॉट. निगेटिव में हमेशा एक वर्ड हमें यूज़ करना पड़ेगा नॉट, और नॉट की भी स्पेसिफिकेशन ये है कि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के आता है, साथ आता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी भी सेंटेंस में नॉट आ ही नहीं सकता. तो फॉर्मेट एकदम ओरिजिनल रहेगा जो हमने अफर्मेटिव में यूज़ किया है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम फ्रेम. देखिए जो पूरा सेंटेंस है ये निगेटिव अभी नहीं बना है, क्योंकि अभी इसमें एक और वर्ड हमें लगाना है, और वो वर्ड है नॉट, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है. तो यहाँ पे हैड दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ में हमने नॉट को पेयर कर दिया. जैसे ही हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आया सेंटेंस निगेटिव बन गया. तो ये सेंटेंस को चेंज करते हैं, हैड आई बिन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 3 hours, तो सेंटेंस बनेगा आई हैड नॉट बिन सिंगिंग अ सॉन्ग, आई हैड नॉट बिन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 3 hours, 3 घंटे से मैं एक गाना नहीं गा रहा था. तो बच्चों ये सेंटेंस बन गया नेगेटिव सेंटेंस. एंड आफ्टर नेगेटिव कम्स इंटरोगेटिव सेंटेंस. बच्चों ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस ये है हमारे पास अवेलेबल, सेम नेगेटिव सेंटेंस को हम इंटरोगेट कर सकते हैं. देखिए नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट आया है, और इंटरोगेट करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जहाँ भी सब्जेक्ट दिख रहा है सब्जेक्ट से पहले सिर्फ हमें प्लेस करना है हेल्पिंग वर्ब को. जैसे ही सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा पूरा सेंटेंस इंटरोगेट करने लग जाएगा, यानी इंटरोगेटिव बन जाएगा. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है इससे पहले लेकर आ जाएंगे हैड, यहाँ पे सब्जेक्ट है ये बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट. अब देखिए सब्जेक्ट से पहले जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आया हैड आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया यानी इंटरोगेटिव बन गया, प्लस बाकी सेम रहेगा, ऊपर नॉट है तो नीचे भी नॉट लाएंगे क्योंकि हमें निगेटिव भी तो बनाना है एक्चुअली. फिर उसके बाद आएगा प्लस बिन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम फ्रेम. तो सेंटेंस को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ऊपर वाले सेंटेंस को कन्वर्ट कर लेते हैं, हैड आई नॉट बिन सिंगिंग अ सॉन्ग, हैड आई नॉट बिन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 3 PM, क्या मैं 3 बजे से एक गाना नहीं गा रहा था, क्या मैं 3 PM से एक गाना नहीं गा रहा था. तो बच्चों ऑलरेडी जो सेंटेंस बना हुआ था निगेटिव, उसी को हमने इंटरोगेट कर दिया बाय पुटिंग द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट. तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कंप्लीट. आप लोग इसे देख लीजिए, उतार लीजिए, और अगर कोई भी डाउट आता है तो अपने डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं. मैं ट्राई करूँगा सारे डाउट के, सारे क्वेश्चंस के आंसर करने की. आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसी तरह की और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए EDC Online के साथ. नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.